हेलो फ्रेंड, दिस इज सागरन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, ये आज सेकंड क्लास है चैप्टर 4 का, और इसमें आज हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर 4 फ्रैक्शन है, इसका हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और मेन टॉपिक सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। मैंने कल की क्लास में मैंने फ्रैक्शन के बारे में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं दोबारा से मैं उस चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन दिखता कैसे है। तो सबसे पहले अगर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, यानी कि एन बाई डी के फॉर्म में होता है। एन हमारा न्यूमरेटर होता है, डी हमारा डिनोमिनेटर होता है, एन बाई डी के फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर P बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि अगर आपको नंबर इस फॉर्म में दिया गया है, दैट मीन कि वो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। मैंने कल आपसे बताया कि फ्रैक्शन के किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, पर मैं दोबारा से यहां पे रिपीट में लिख दे रहा हूं कि या तो इसमें आ जाएगा आपको ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पता करने के लिए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सेकेंड आपका है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, या फिर आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए फोर्थ आपका आ जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर फिर आपका आ जाएगा जो फिफ्थ आपका जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो इतने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। कहीं कहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कुछ फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा ऑप्शनल क्वेश्चन में कि इस फ्रैक्शन में, गिवन फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है या कौन सा स्मॉलेस्ट है। या फिर आपको तीन चार फ्रैक्शन आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको कुछ क्रम में वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे रहेंगे, तीन चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। लेकिन वो चीज हम तभी कर सकते हैं जब हमें इसके बारे में पता होगा कि हम कैसे कंपेयर करेंगे। जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन अगर वो हमें पता होगा, कंपैरिजन में पता होगा, तभी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टाइप ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। और हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम इसलिए एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से चीजें समझ में आए। अगर हम बहुत ज्यादा फास्ट में आपको पढ़ाएंगे सिर्फ सिलेबस खत्म करने के पीछे, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हमें चीज समझना भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उसे प्रैक्टिस भी करना है। तो हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। जो हमारा पहला टाइप है वो है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन डेफिनेशन आपके बुक में दे रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। मैं यहां पे आपको सिर्फ समझा रहा हूं विथ एग्जांपल। तो जो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर, यानी कि हम यहां पे अगर ये n बाई D के अगर फॉर्म में है, n मेरा होता है न्यूमरेटर, n मेरा होता है न्यूमरेटर, D मेरा होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है
रिपीट करो, जिसका न्यूमरेटर वन होता है वो हमारा क्या आता है, यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया गया 1/2, तो यहां पे 1/2 देखेंगे तो 1 मेरा क्या है न्यूमरेटर, 2 मेरा डिनोमिनेटर। तो मैंने बताया कि जिसका न्यूमरेटर 1 होगा वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आपसे यहां पे लिख दूं कि 6/18, आपको ये दे दिया जाए कि 6/18 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, यस और नो। आपको यहां पे एक ऑप्शन दे जाए यस और नो, तो बहुत से बच्चे तुरंत नो पे ट्रिक करेंगे, तुरंत नो पे टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक डेफिनेशन बताया गया है यूनिट फ्रैक्शन में कि न्यूमरेटर हमारा 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 नहीं है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 6 से डिवाइड होगा, 6 1 6 6 3 18, तो यह आ गया 1/3। तो आंसर क्या होगा, ये आंसर हुआ गलत और ये आंसर सही, यस। यानी कि 6/18 भी हमारा यूनिट फ्रैक्शन है जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चेक करना है कि कहीं डिवाइड करने के बाद 1/1 न्यूमरेटर में 1 तो नहीं आ रहा। अगर 1 आ रहा दैट मीन कि वो यूनिट फ्रैक्शन है। स्टूडेंट अब हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, जो नेक्स्ट टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। यानी कि फ्रैक्शन, यहां पे अगर मैं इसके डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पे फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो यहां पे देखिए फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। अगर मैं एग्जांपल की यहां पे मैं बात करूं तो एग्जांपल आपका हो जाएगा लाइक आपका हो गया 2/3, 5/8, 9/10। तो आप इन सब में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं, ऐसे कोई नंबर आपको दिया गया है जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, सॉरी जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, वो हमारा कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमारा थर्ड टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट। फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, इसमें आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर बड़ा होगा। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल लाइक आपका हो गया 5/4, 6/3, 8/7। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं वो फ्रैक्शन कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन, जो हमारा फोर्थ है वो है
जो हमारा फोर्थ फ्रैक्शन है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि जहां पे फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन वेयर होल नंबर एंड फ्रैक्शन विल कंबाइंड यानी कि जहां पे होल नंबर और फ्रैक्शन कंबाइंड होगा उसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए लाइक आपको ये दे दिया गया 4 होल 1/2, तो ये आपका होल है और ये आपका फ्रैक्शन, ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन, तो 4 होल 1/2, 8 होल 2/3, ये आपका जो 8 है ये आपका होल नंबर है, 2/3 आपका क्या है फ्रैक्शन। तो यहां पे आप देख पाए कि होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेशन भी आप इससे बना सकते हैं कि जहां पे होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ, जो नेक्स्ट टाइप है फिफ्थ, जो हमारा फिफ्थ है वो है लाइक फ्रैक्शन। जो हमारा फिफ्थ है वो है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर आपका सेम होगा, यानी कि जितने भी आपके फ्रैक्शन होंगे, जितने भी फ्रैक्शन के नंबर होंगे वहां पे डिनोमिनेटर आपको सेम मिलेगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज सेम। एग्जाम्पल लाइक आपको मैंने 1/2 हो गया, 4/2, 9/2, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सेम है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 और यहां भी 2, तो यहां पे डिनोमिनेटर सेम है। तो जहां पे जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होगा वो हमारा कहलाता है लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है अनलाइक फ्रैक्शन। डेफिनेशन इसका जस्ट अपोजिट, फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, वेयर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो डिफरेंट हो, अलग अलग हो, वो हमारा कहलाता है अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 14/6, 8/2, 13/15, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि जो डिनोमिनेटर दिया गया, जो फ्रैक्शन हमें दिया गया इसका डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट टाइप है फ्रैक्शन का वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा है चाहे वो डिवाइड हो रहा है दोनों में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, लेकिन वो सेम नंबर से हो रहा हो, मीन्स फ्रैक्शन
fraction are calculated by multiplying or dividing both numerator and denominator by the same number यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जो कैलकुलेट हो रहा है, चाहे वहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, चाहे वो डिवीजन हो रहा हो वहां पे, लेकिन ये दोनों में होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा और सेम नंबर से होगा। सेम नंबर से इन द सेंस कि अगर मैं एग्जांपल की अगर मैं यहां पे बात करूं तो एग्जांपल इन द सेंस मैंने यहां पे ले लिया 2/8 6/9 6/24 तो अब यहां पे देखिए यहां पे दिया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की बात हो रहा है यहां पे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा है चाहे वो डिवाइड हो रहा है बाय द सेम नंबर इसको मैंने अंडरलाइन किया उसको आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पे अगर हम इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखिए 2 का मल्टीपल है 2 से ये भी डिवाइड होगा 2 1 2 2 4 8 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है यहां पे 3 2 6 3 3 9 यानी कि ये जो 6/9 जो फ्रैक्शन है वो भी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है 3 से यहां भी 3 2 6 3 8 24 यहां भी आप देखिए कि 3 से डिवाइड हो रहा है यानी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर चाहे डिवाइड हो रहा चाहे मल्टीप्लीकेशन हो रहा लेकिन जो भी होगा वो सेम नंबर से होगा डिफरेंट नंबर नहीं होगा तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो ये था आपका टाइप ऑफ फ्रैक्शन इसके बाद आपका स्टार्ट होता है कंपैरिजन में जो मैंने आपका बुक जो देखा उसमें सीधे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन से स्टार्ट किया गया है आई डोंट नो व्हाई क्योंकि वो मुझे लगता है जहां तक वो कंप्लीट नहीं दिया गया क्योंकि अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें कंपैरिजन करना कि कौन सा नंबर स्मॉलर है कौन सा नंबर ग्रेटर है या फिर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग तो वो हमें टाइप 1 से ही करना था या टाइप 2 से करना था यानी कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होता तो वहां से स्टार्टिंग होती है कंपैरिजन का लेकिन जो आपके बुक में जो दिया गया है वहां से स्टार्टिंग नहीं है बुक में आपके लाइक फ्रैक्शन से स्टार्टिंग दिया गया है और मेरे अकॉर्डिंग तो जहां तक मेरा ओपिनियन है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि जो आपके एग्जाम में जो आता है वो डायरेक्टली वहीं से नहीं आएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन से भी आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो भी जानना जरूरी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आ जाए या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आ जाए तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्मॉलर है या कौन सा ग्रेटर है या फिर हम कैसे अरेंज करेंगे उसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो बुक में जो दिया गया वो तो हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जो टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया गया है वो मैं यहां पे आपको बताऊंगा प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन मैं यहां पे आपको बताऊंगा उसके बाद आपके बुक पे हम चलेंगे लेकिन ये आपका नेक्स्ट क्लास में होगा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ये टॉपिक ये चैप्टर्स या फिर क्लास 5th का जो मैथ है वो पढ़ सकें।